हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल आई सूफी। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हेलो नेवर 2 की गेमिंग की स्टोरी और एंडिंग भी जानेंगे, तो दिल थाम के बैठिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है क्वांटिन नाम के पत्रकार से, जो हम होते हैं जो गेम को खेलते हैं, प्ले करते हैं। कैरेक्टर हमारा क्वांटिन नाम से होता है, जो नेवर क्रुक्स नाम के टाउन में पत्रकार होता है। वो दो बच्चों को ढूंढता है जो किसी ने किडनैप कर लिए होते हैं। उन बच्चों का नाम होता है माया और एरन पीटरसन। क्वांटिन को नहीं पता वो कहाँ पर है और ना ही उनके साथ हुआ क्या है, ये भी नहीं पता। वो अपनी वैन में शहर को घूमता है, फिर उसको एक घर पे शक होता है, तो वहीं पर वो रात का इंतज़ार करता है और तभी उसके सामने एक आदमी दिखता है और वो आदमी एक बच्चे को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचता है। उस छोटे बच्चे का नाम होता है एरन। मिस्टर पीटरसन ज़बरदस्ती उसको अपने घर में लेकर चले जाते हैं। तभी क्वांटिन एरन और मिस्टर पीटरसन की एक साथ फोटो क्लिक कर लेता है। मिस्टर पीटरसन एरन घर में उसको लेकर चले जाते हैं। तभी क्वांटिन को शक होता है कि किडनैप करने वाला बंदा यही है, यही आदमी पूरे टाउन में बच्चों को किडनैप करता है। पर उसका शक गलत होता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करता है वो। क्वांटिन को ये नहीं पता कि मिस्टर पीटरसन माया और एरिसन के ही फादर हैं। क्वांटिन सोचता ही है कि तभी वो देखता है कि घर का डोर ओपन होता है और मिस्टर पीटरसन फावड़े के साथ उसकी तरफ आते हैं। तभी क्वांटिन डर जाता है एकदम से और तभी उसके हाथ से चाबी भी गिरने लगती है। वो चाबी को जल्दी जल्दी अपने गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता ही है कि तभी पीटरसन उसको मार देते हैं, तो गाड़ी का शीशा टूट जाता है। क्वांटिन गाड़ी को चलाता ही है तभी उसके सामने एकदम से कोई आ जाता है, बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि हुआ क्या मेरे साथ। क्वांटिन को होश आता है, वो देखता है कि मैं कमरे में हूँ और वो शॉक हो जाता है। बट वो कमरे में नहीं होता है, वो एक फार्म हाउस में होता है। फिर उसकी नज़र एक दीवार पर जाती है, उस दीवार पर उसको एक पज़ल दिखता है जो कि उसको सॉल्व करना होता है। तो क्वांटिन उस पज़ल को सॉल्व करता है, सॉल्व करने के बाद डोर ओपन होता है। इतने में ही वो बाहर निकलता है तो उसको एहसास होता है कि मेरे बराबर में कोई है, तो मिस्टर पीटरसन फावड़ा लेकर उसको हमला कर देते हैं और क्वांटिन गिर जाता है। मिस्टर पीटरसन उसका कैमरा छीन लेते हैं और उसकी आइडेंटिटी भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ये पत्रकार है। क्वांटिन को होश आता है पर वो इस बार जो होता है वो अपने ही टाउन के न्यूज़ रूम में होता है। वो शॉक हो जाता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तभी उसकी नज़र मॉनिटर पर जाती है, वो देखता है कि मिस्टर पीटरसन के घर पर पुलिस ही पुलिस होती है, पर वो करे क्या। फिर वो अब मिस्टर पीटरसन के बेसमेंट में जाता है, वो लॉक्ड होता है। फिर वो सारे जो लॉक होता है वो तोड़ता है, फिर क्वांटिन उसको ओपन करता है। जब वो बेसमेंट में पहुंच जाता है तो उसको नजर आते हैं कि बच्चों के सारे टॉयज ही टॉयज नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये हो क्या रहा है। उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जो कि शहर का न्यूज़पेपर होता है। उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा होता है और आर्टिकल में ये लिखा होता है कि म्यूजियम की की चोरी होने की वजह से म्यूजियम बंद हो गया है, जिसमें क्वांटिन को लगता है कि मिस्टर पीटरसन वहीं छुपे हुए हैं। क्वांटिन बेसमेंट से बाहर आता है तभी वहां पर हवा में पेपर प्लेन दिखता है और उसके पास आ जाता है। उस पेपर प्लेन में एरन का मिसिंग पोस्टर होता है, तो फिर वो म्यूजियम की तरफ निकलता है। तभी उसके रोड पर बहुत ही सारे पेपर प्लेन दिखते हैं, उन्हीं पेपर प्लेन को देख देख कर वो म्यूजियम तक चला जाता है। जब वो म्यूजियम में एंट्री करता है तो उसको वहाँ पर वही फावड़ा मिलता है जो मिस्टर पीटरसन ने उसको मारा था। उसको होश आता है तो वो फिर से वहीं अपने आप को न्यूज़ रूम में पाता है। तभी उसको बेड के नीचे से आवाज़ आती है, तभी उसको मिस्टर पीटरसन दिख जाते हैं और अपने सपने से वो उड़ जाता है। फिर वो मॉनिटर की तरफ देखता है और इस बार पुलिस ऑफिसर मिस्टर पीटरसन के घर नहीं बल्कि बेकरी के बाहर खड़े होते हैं। फिर क्वांटिन बेकरी में जाता है, वहाँ पर एक औरत मिलती है जो ब्रेड बनाती है, उसका नाम होता है ग्रेडा। फिर वो वहाँ से म्यूजियम की चाबी चुरा लेता है। फिर वो म्यूजियम जाता है, वहाँ म्यूजियम के डोर पर उसको लॉक मिलता है। क्वांटिन चाबी लगाकर डोर को ओपन कर देता है, तभी उसको पीटरसन दिखता है। पीटरसन क्वांटिन डर जाता है, वहां से भागने लगता है, फिर से वो फावड़ा पड़ जाएगा भैया। बाहर जाकर क्वांटिन रुक जाता है, फिर क्वांटिन म्यूजियम में जाता है, इस बार कोई नहीं मिलता है उसको। क्वांटिन अंदर जाता है तो उसको अंदर पीटरसन की फैमिली की फोटो मिलती है। उसको क्वांटिन देखते ही देखते फोटो चेंज हो जाती है। फिर हमें एक सीन दिखता है, एरन और मिस्टर पीटरसन एक साथ फोटो क्लिक करते हैं। फिर वो कैमरे में देखता है
कॉन्टिन्यू फोटो चेंज हो जाती है और एरन की टी शर्ट पे लिखा होता है हेल्प मी और एरन रो रहा होता है। तभी बारिश आ जाती है और फिर पीटरसन एरन को अंदर लेकर जाता है और तभी क्वांटिन उसको बचाने लगता है। इतने में ही बिजली उसके सामने आ जाती है। फिर से क्वांटिन अपने तपने से जागता है और उसकी आंख फिर से न्यूज रूम में ओपन होती है और फिर से वो मॉनिटर के अंदर देखता है। उसको ऑटो दिखता है, ऑटो के हाथ में गन होती है। क्वांटिन ऑटो के घर जाता है, फिर वो मैप के टुकड़े कलेक्ट करता है। उस टुकड़े कलेक्ट करने के बाद उसको क्वांटिन के मैप में एक क्रॉस दिखता है। उसी क्रॉस को गार्डन में ढूंढता है। उस क्रॉस वाली जगह पर उसको एक लॉकर मिलता है। उस लॉकर में एक चाबी होती है जो कि एक ऑटो के घर के रूम की चाबी है। उस चाबी से घर के रूम की डोर ओपन करता है। उस रूम में क्वांटम को गरारी मिलती है। उस गरारी को वो ग्रैंडफादर की क्लॉक में लगा देता है। तीसरी गरारी मिस्टर पीटरसन की गाड़ी में मिलती है। तीसरी गरारी भी हम क्लॉक में लगा देते हैं और घड़ी स्टार्ट हो जाती है जो कि उसका टाइम नोट कर लेता है क्वांटिन। फिर हमें एक लॉकर मिलता है। उस लॉकर को ओपन करने के लिए जो हमने टाइम देखा था वही टाइम उसमें लगता है और फिर लॉकर ओपन हो जाता है। तो उसमें हमें अपना एक कैमरा मिलता है जो कि पीटरसन ने हमसे छीना था। फिर क्वांटिन अपनी फोटो देखता है उसके अंदर। तभी फिर क्वांटिन अपने आप को म्यूजियम के डोर के बाहर पाता है। वो म्यूजियम के डोर को ओपन करता है तो उसको एक कॉइन मिलता है। फिर उसकी नजर ऊपर जाती है, वहां पर क्रो स्टैचू दिखता है। उसी क्रो स्टैचू से कॉइन गिर रहे होते हैं, फिर जो जिंदा हो जाता है और क्वांटिन पर हमला करता है। तभी क्वांटिन सपने से उठता है, फिर वही अपने न्यूज रूम में वो पाता है और फिर वही अपने मॉनिटर के तरफ देखता है तो उसको इस बार मेयर दिखती है। तो वो मेयर के घर जाता है। मेयर के घर जाने के बाद उसको एक मेयर के घर में उसको एक गोल्डन स्टिक मिलती है। वो स्टिक लेकर के वो स्टैचू को दे देता है और स्टैचू के अंदर उसको एक मिलता है गोल्डन कप। उस कप को लेकर वो मेयर के घर के रूम के अंदर जाता है और वहां पर कप को टेबल पर रख देता है। और भी वहां पर कप रखने होते हैं तो वो ढूंढ कर सारे रूम में से वहां पर रख देता है। टेबल के सामने शीशा होता है, वो ओपन होता है और उस ओपन होने के बाद वो व्हील वहां पर रखा रहता है। तो उस व्हील को लेकर के वो थंब पर लगा देता है और व्हील को धीरे धीरे घुमाने लगता है। सामने से एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। उस कमरे में क्वांटिन जाता है तो उसको वहां पर एक सूट और मास्क मिलता है। वो मास्क और सूट द रेवन मैन का होता है और एक की भी मिलती है जिसको लेकर वो सामने वाला डोर ओपन करता है। उस कमरे में से एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है। फिर वो वहां से भालू का सर लेता है और बॉडी पर लगा देता है। उसको वहां पर एक मछली का सर भी मिलता है और मछली के ऊपर लगा देता है। तभी ऊपर छत पे से एक डोर ओपन होता है, छत खुल जाती है। हम जैसे ही छत पर जाते हैं तो हमें एरन की परछाई दिखती है। फिर हम आगे जाते हैं तो हमें एरन पिंजरे के अंदर खेलता हुआ दिखता है। फिर वो हमें देखकर छुप जाता है। फिर हम उसको पेपर का प्लेन देते हैं। फिर क्वांटिन एरन को पिंजरे से निकाल लेता है। तभी वहां पर मिस्टर पीटरसन आ जाते हैं। मिस्टर पीटरसन बहुत गुस्से में होते हैं और मिस्टर पीटरसन क्वांटिन का गला पकड़ लेता है और एरन वहां से नीचे भाग जाता है। पीटरसन क्वांटिन को पिंजरे में फेंक देते हैं। फिर हम पजल सॉल्व करके पिंजरे में से निकल जाते हैं। तो क्वांटिन नीचे जाता है और उसको एक बड़ा सा रेवन मैन का स्टैचू दिखता है और हम और नीचे जाते हैं। क्वांटिन एरन को टेबल के नीचे देखता है। क्वांटिन आग बुझाता है और उसको आग बुझाने पर उसको एक मैन डोर की चाबी मिलती है जिससे लेकर वो मैन डोर ओपन करता है। फिर वो लकड़ी हटाता है। क्वांटिन एरन को साथ चलने को बोलता है। एरन तभी साथ चलता है। उसके सामने से ही मिस्टर पीटरसन आ जाते हैं और अचानक ऊपर से क्रो का स्टैचू मिस्टर पीटरसन के ऊपर गिर जाता है। एरन देखकर ये घबरा जाता है। तभी एरन फादर की मदद करने लगता है और वो फिर दोनों अपने गले लग जाते हैं। क्वांटिन ये देखता ही है कि उसके पीछे से कोई उसको खींच लेता है और वो बेहोश हो जाता है। वो बेहोशी की हालत में देखता है कि एरन अपने फादर की कैसे मदद कर रहा है। तो दोस्तों द हेलो नेवर 2 गेम यहीं पर एंडिंग हो जाती है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो।